स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंटरफेरेंस? अगर हम लोग लेमैन की लैंग्वेज में इंटरफेरेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है दखल अंदाजी। ठीक है, किसी एक हम बोल देते हैं ना कि तुम मेरे काम में इंटरफेरेंस मत करो। अब ऑप्टिक्स के अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी दखल अंदाजी इंटरफेरेंस हो सकती है। अब आप पूछेंगे किस तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है? स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले तो इंटरफेरेंस का मतलब समझें। ऑप्टिक्स के अंदर इंटरफेरेंस क्या चीज है, इंटरफेरेंस होता क्या है? अगर हमारे पास दो लाइट वेव्स हो और उन दोनों लाइट वेव्स की सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, लाइट वेव्स इन सेम एम्पलीट्यूड, क्या सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन में हो, हैविंग नो फेज डिफरेंस और हैविंग कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, इंटरफियर करे, इंटरमिक्स करे, तो फिनोमेनन बनता है इंटरफेरेंस। इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेवलप हो जाती है लाइट वेव्स की। अब क्वेश्चन क्या पैदा होता है कि वो लाइट वेव्स कैसी हो? वो लाइट वेव्स कोहेरेंट सोर्स से आए। किस सोर्स से आए? कोहेरेंट सोर्स। अब सेकेंड क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनका, जहां से लाइट एमिट हो, लाइट वेव एमिट हो, वो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, नो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखे। अब स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो दो बल्ब्स सेम वॉट के, सेम कंपनी से बने हुए, मैन्युफैक्चर हुए, लेकिन उनमें भी सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। डिस्पाइट वो एक पावर के हैं, एक जैसी लाइट एमिट करते हैं, बट वो इनकोहेरेंट होते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली कोहेरेंट सोर्स को डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। फिर यंग्स ने, यंग्स वही यंग्स जिसने, जिसका आप यंग्स मॉडल्स 10+1 में पढ़ते हो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यंग्स मॉडल्स आता है ना, यस, यंग्स साइंटिस्ट ने, यंग फिजिस्ट ने, यंग सर ने क्या किया, एक सिंगल सोर्स को ही स्प्लिट कर दिया दो डिफरेंट सोर्सेस में। कैसे? ये एक सोर्स है, इससे S1 S2 दो सोर्सेस बनाए। कैसे? सोर्स S से ए लाइट बल्ब, से सोडियम लाइट बल्ब, राइट, और यहां पर एक कार्डबोर्ड लगाया, उसमें दो होल कर दिए। क्या कर दिए? दो होल कर लिए, और वो जो होल किए उसमें से सोडियम, इधर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि दो सोडियम वेवलेंथ्स आ रही है, दो सोडियम वेव ट्रेन्स आ रही हैं, दो सोडियम सोर्सेस से लाइट वेव्स आ रही हैं, जो पॉइंट पी के ऊपर क्या कर रही हैं? इंटरमिक्स कर रही हैं। जब पॉइंट पी के ऊपर इंटरमिक्स करती हैं तो क्या होता है मालूम है? तो स्टूडेंट्स, यहां पर इंटरफेरेंस फिनोमेना हो जाता है। कैसे? ये जो मैंने डॉटर दिखाया है, ये दिखाया है से ट्रफ, और ये मैंने जो दिखाया है फुल लाइन, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट। एंड जब ट्रफ क्रेस्ट पे पड़ता है तो कंस्ट्रक्टिव की बजाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब ट्रफ पे ट्रफ पड़ता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या क्रेस्ट पे क्रेस्ट पड़ता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप पूछेंगे सर, क्रस्ट, ट्रफ, ये तो साइन वेव में बनते हैं। यस, लाइट इज अ साइन वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ
साइन डी वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. लाइट इज वॉट? इट इज अ साइनो सूरियल वेव. क्या सभी लोगों को समझ आ रहा है? Yes, sir. आप लोग बताइए ना, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप फिर से शांत होकर बैठे, मुझे लग रहा है शायद समझ नहीं आ रहा है. राइट, क्लियर है? Yes, sir. अब जैसे मान लो एक फनी वे में आपको बताता हूं कि जैसे एक सिंगर है, दो सिंगर्स की आवाज आपस में नहीं मिलती, ये गॉड गिफ्ट है, ये गॉड की ब्लेसिंग्स है. सब किसी के दो फिंगर प्रिंट नहीं मिलते. लेकिन मान लो हमने एक सिंगर की साउंड वेव को क्या करना है, इंटरफेयर कराना. मालूम है 10+1 में पढ़ा था आपने, बीट्स बनेंगी. जैसे एक सिंगर गाना गा रहा है से बिंदु तेरे नखरे 18, राइट. अब मान लीजिए ये सिंगर है, ये दो स्पीकर से आवाज आ रही है और वो गाना गा रहा है बिंदु तेरे नखरे 18, राइट. अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यानी कि 1 and 2 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो बिंदु के नखरे 18 प्लस 18 कितने हो जाएंगे, 36. ये क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और अगर हम लोग इधर चले जाएं 3 and 4, यहां पर बिंदु के नखरे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स y माइनस Y2, तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0. तो यहां पर क्या आएगा, जब 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 Y1 प्लस Y2, Y1 प्लस Y2 इट इज 36, Y1 माइनस Y2 इट इज 0. तो ये क्या आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या आपको समझ आया? Yes, तो इंटरफेरेंस क्या चीज है? इट इज द फिनोमेनन ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन द टू लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग फेज डिफरेंस और अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर सुपरइंपोज्ड. स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बोल दूं, ये बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है, साइंटिस्ट के लिए लेक्चर नहीं है. ये स्टूडेंट्स 10+2 लेवल का लेक्चर है, राइट. तो ये ट्राई किया मैंने एक सिंपल वे से कॉन्सेप्ट को देने के लिए. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो kindly give me your feedback through comments. Thank you.